अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी भुने हुए आलू की रेसिपी कैसे बनाई जाती है। आप इसे मसाला भून के भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा आपको इसका अलग तरीका बताऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो आलू लिए हैं, इन्हें मैंने कट कर लिया है। 7 ग्रीन चिलीज इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्च, एक बड़े साइज़ का मैं टमाटर इसमें ऐड कर रही हूँ। जो मुझे इसमें मसाले चाहिए उसके लिए मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक एंड 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि पिसी हुई हल्दी और 1/2 टीस्पून मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। इसमें मैं 1 फुल टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और दरमियानी साइज़ की मैं 3 प्याज यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक कढ़ाही लूँगी, उसमें मैं ये सारे आलू डाल दूँगी जो मैंने कट कर लिए थे। साथ ही मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ डाल दूँगी, टमाटर ऐड करूँगी, प्याज डाल दूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी और ये मसाले और साथ ही इसमें मैं 1 प्याली पानी की ऐड करूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके जब तक इसके आलू गल जाते हैं मैं इसका ढक्कन लगा के तेज़ आंच पे रख दूंगी। 2 मिनट बाद मैं इसका ढक्कन खोलूंगी, जिसमें मैंने पानी ऐड किया था उसमें बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी और हल्की आंच करके इसे फिर से ढक्कन लगा के रख दूंगी। 5 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन खोल लिया है और आपके सामने है, ये देखें आलू तकरीबन गल चुके हैं। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल के 2 बड़े चम्मच डालूंगी और इसे अच्छी तरह से भून के हल्की आंच पे रख दूंगी। कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया था और तकरीबन मैंने 2 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर रख दिया था। अब ये बनके तैयार हो गया है और इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और सूखी मेथी ऊपर से डाली है और सालन बनके तैयार है। भुने हुए आलू की डिश बनके तैयार हो चुकी है। मैंने इस पर हरा धनिया कुटा हुआ बारीक डाला है इस पर गार्निश करने के लिए। इसको आज मैंने आपको इसकी इजी रेसिपी बताई थी, इस तरह बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत स्पाइसी बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।